इस वीडियो में मैं आपको ठीक है ना जो मुगल साम्राज्य था ठीक है ना यानी मुगल वंश था किसने कैसे शासन किया क्रमशः सीरियल वाइज मैं आपको बता रहा हूँ उसका शॉर्ट ट्रिक और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुगल वंश से काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि किसका पिता कौन था, पहले शासन कौन किया, इसके बाद कौन किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आप लोग के लिए और ढेर सारा शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊँ और वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो फिर नाउ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ठीक है, भाई साहब माँ साहब, ठीक है, भाई साहब, ये सब जो ये जो भाषा जो है ना ये बेसिकली माँ साहब भा साहब भाई साहब माँ साहब, ठीक है, ये राजस्थान के लोग काफ़ी ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं, यहाँ वहाँ की ये भाषा है, ठीक है ना। तो भाजी तो पता ही है, सब्जी भी पता होगा, माँ साहब, ठीक है ना, माँ साहब भाई साहब मैंने आपने आपको बता दिया कि राजस्थान के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं अब ये सारा जो है ना सेंटेंस को डिकोड करने जा रहा हूँ कि ये कैसे यूज़ हुए हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले भाजी से बी हुआ, ठीक है ना, तो बी से क्या हो गया, बाबर, ठीक है ना, बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा भी कहा जाता था, जैसे अकबर का पहले अकबर नाम नहीं था, पहले उसका नाम क्या था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। तो बी से क्या हो गया, बाबर, ठीक है। एच से क्या हो गया, भाजी में बी एच ए जे आई होता है, तो एच से क्या हो गया, हुमायूं, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया, ठीक है। और फिर ए इससे क्या आया, अकबर, बाबर आया, हुमायूं आया, फिर अकबर आया। और जे से जे आई से क्या आया, जहांगीर, फिर जहांगीर आया। फिर एस से कौन है, शाहजहां। ए से कौन है, सब्जी, से सब्जी को हम डिकोड कर रहे हैं, एस से शाहजहां। ए से क्या हो गया, औरंगजेब। आई होप सो कि जो एक क्वेश्चन आता है कि मुगल राज में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो वो शायद औरंगजेब ही था जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि मुगल वंश का या फिर अनपढ़ शासक कौन था जिसे पढ़ना लिखना आता भी नहीं था, और वो कौन था इस मुगल वंश का सम्राट, वो अकबर ही था जिसे लिखना पढ़ना आता नहीं था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, और ये बनता है कि जो अकबर का जो है ना उसको बोल सकते हैं आर्मी का हेड कौन था, तो अकबर के आर्मी का हेड कौन था, वो बैरम खान था, ठीक है, जिसे मार दिया गया था लास्ट में, वो हज यात्रा के लिए जब गया था तो उसे किसी ने वहाँ पे उसकी हत्या कर दी थी। तो आई होप सो कि इसमें जो आपको मैं दो तीन इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन जो बनते हैं वो बताया है, तो आपको ये समझ में आया होगा और ये पूछे ही जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट नाउ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस शॉर्ट ट्रिक को। सब्जी से एस से शाहजहाँ आया, ठीक है, जहांगीर के बाद, और शाहजहाँ के बाद फिर कौन आया, ए से औरंगजेब आया, फिर बी से कौन आया, बहादुर शाह आया, ठीक है, वैसे बहादुर शाह जफर जो है ना जो लास्ट किंग था, एक उसको शायरी किंग भी कहा जाता था, ठीक है ना, शेर किंग, शायरी किंग, जो शायरी वायरी बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बहादुर शाह जफर हो गया, ठीक है, जे आई से क्या हो गया, जहांदर शाह, ठीक है, फौर से क्या हो गया, फरुखसियार, ओके, फरुखसियार जो है ना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसने एक फरमान जारी किया था, उसको हम लोग फरुखसियार फरमान के नाम से जानते हैं, उस फरमान से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो भी मुझे रिमेम्बर नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, माँ साहब को हम डिकोड अप कर रहे हैं नेक्स्ट, तो वह है मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से मोहम्मद आलमगिरी सेकेंड, मतलब द्वितीय, ठीक है, एस से क्या हो गया, शाह आलम द्वितीय, और ये फिर क्या है, माँ साहब डबल ए, ठीक है ना, यानी अकबर सेकेंड, ठीक है, अकबर द्वितीय भी आया था, और लास्ट जो किंग था ये मुगल वंश का वो था बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।